भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर क्यों आते हैं? यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य त्रदात्मानम सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां जब जब होए धर्म के हानि बाढ़ई असुर अधव अभिमानी तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा हरहि कृपा निध सज्जन पीरा। जब जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ता है, धर्म की हानि होती है, तब तब भगवान अवतार लेकर आते हैं। ये बात हम सबको मालूम है। किसके लिए आते हैं? जोर से बोलो, धर्म की स्थापना के लिए। क्या हमारे घर में भी स्थापना करने के लिए धर्म की भगवान आएंगे? क्या हम इतने असक्षम हैं कि हम अपने घर में भी धर्म की स्थापना नहीं कर सकते? जिस घर में मदिरा आती हो वो कैसे धर्मयुक्त घर होगा, बताना जरा। जिस घर के बूढ़े या जिस घर के जवान मदिरा पीते हो, आने वाली संतान कभी भी उनकी धर्मात्मा कैसे बन पाएगी, बताइए जरा। हमारे कहते लहसुन प्याज मत खाओ, और हमारे शहरों के रईस बिना मदिरा पिए रात नहीं बिताते। भगवान धर्म की रक्षा करने आते हैं ना, तो तुम अपने घर में भी रक्षा नहीं कर सके। महापापों में गिना गया है मदिरा पान करना, पाप नहीं महापाप। आप देख लेना, जो मदिरा पान करते हैं वो अय्याश होंगे, जो मदिरा पान करते हैं वो अपनी पत्नी के साथ भी हैप्पी नहीं रहते हैं, वो अपने बच्चों के साथ हैप्पी नहीं रहते हैं, उनकी बाणी पे उनका कंट्रोल नहीं रहता है, उनकी दृष्टि पे उनका कंट्रोल नहीं रहता है, उनके खाने पे उनका कंट्रोल नहीं होता है। जो मदिरा पान करता होगा वही मनुष्य अधिकांश मांस ग्रहण करता होगा। भैया देखो, हम इसलिए नहीं कह रहे कि हम महाराज बड़े महाराज बनना चाहते हैं, हमें जितना बड़ा बनना था बना दिया ठाकुर जी ने, हमें ज्यादा बड़ा नहीं बनना है, पर हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि तुम्हारे घर में धर्म की स्थापना हो जाए, तुम्हारा घर बर्बाद ना हो, आने वाली पीढ़ी बर्बाद ना हो, हम सिर्फ इतना चाहते हैं। सनातनी आबाद हो, बर्बाद ना हो, ये हम चाहते हैं। जिन्हें आप राम कहते हो, जिन्हें आप कृष्ण कहते हो, जिन्हें आप परशुराम कहते हो, जिन्हें आप बामन कहते हो, जिन्हें आप नरसिंह कहते हो, बाराह कहते हो, कच्छप कहते हो, परशुराम, जो भी रूप में आप उन्हें मानते हो, वो बार बार आए से धर्म की स्थापना के लिए। इसलिए सभी मनुष्यों को अपने घर में धर्म की स्थापना करनी चाहिए। धर्म की स्थापना के लिए पहला स्टेप है, घर से नशा दूर रहे, घर से मांस दूर रहे, घर से उल्टे सीधे खाना पीना दूर रहे, तो धर्म की स्थापना यहां से शुरू होगी। भगवान धर्म की स्थापना के लिए आते हैं, हम सब उनके सेवक हैं, हमें भी ये कार्य करना चाहिए। एक अधर्म 1670 में किया था और उसका अपमान हम आज भी सह रहे हैं। हे भारतीयों, हे सनातनियों, एक बार पुनः एकजुट होकर उस अधर्म के खिलाफ लड़ने की हिम्मत दिखाओ, और एक बार ठाकुर जी के उस विग्रह को, शिव विग्रह को आगरा से मथुरा ले आओ। हम अपने इष्ट का अपमान होते हुए देखें, ये भी तो अधर्म ही है। हम वहां जाके कोई लड़ नहीं रहे, हमारा अधिकार है हम सरकार से अपनी आवाज रखें, हमारा अधिकार है हम कोर्ट के आगे अपनी बात रखें, हमारा अधिकार है हम सड़क पे उतर के अपनी बात कहें, हम अपने जहां जहां संविधान ने हमें अधिकार दिया है उसका सदुपयोग करके अपने कन्हैया को वहां से लाना ही चाहिए। अच्छा बताओ, आप मना कर दो कि नहीं लाना चाहिए तो हम बंद कर देंगे लड़ाई है?
देखो हम तो ठाकुर जी की कृपा से अपना जीवन जी चुके, हम तो ये मानते हैं हम अपना जीवन जी चुके, बहुत है। अगर हमें व्यास पीठ पर बैठकर धर्म के लिए लड़ना पड़ा तो लड़ेंगे, हमें शहर शहर जाकर कथा पंडालों में लड़ना पड़ा तो हम लड़ेंगे, हमें टीवी चैनलों पर लड़ना पड़ा तो हम लड़ेंगे, हमें कोर्ट में लड़ना पड़ा तो लड़ेंगे, और अगर हमें रोड पे भी लड़ना पड़ा तो हम रोड पे भी लड़ेंगे। पर जब तक कन्हैया को लेके नहीं आ जाएंगे तब तक चैन की नींद नहीं सोएंगे, आराम से नहीं बैठेंगे। अगर वहां है सीढ़ी में तो ठाकुर जी को हम सबके सामने आना ही पड़ेगा। किसी का विरोधाभास नहीं हम करते, अपने ठाकुर के लिए तो हम लेके ही आएंगे, लड़ेंगे करेंगे। अब जिस जिसको हमसे हमारी वाणी पे विश्वास हो वो हमारे साथ खड़ा रहे, और जिन्हें नहीं हो तो जो कई चेला ऐसे भी होंगे, गुरु जी क्या झंझट में पड़ते हो, तुम दूर रहो तो तुम घर बैठ के भजन कर लेना, जरूरी थोड़ी तुम भी हमारे संग लड़ो, घर बैठ के भजन करना। किसी चेले को हम आज्ञा नहीं देंगे तुमको आना है, किसी को नहीं कहेंगे, ये लड़ाई हमारी है, हमने शुरू की है, हम लड़ेंगे, और तब तक लड़ेंगे जब तक इसका कोई रिजल्ट नहीं आ जाता। आह्वान कर देंगे आपका, जिसका मन हो हमारे संग चलना, जिसका मन न हो तो घर में बैठ के माला करना, माला में भी बड़ा दम होता है, राधे राधे बोलना पड़ेगा।